गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर यादव पर। फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द टॉपिक्स एंड सम ऑफ द प्रॉब्लम्स यू गाइज आर फेसिंग। द फर्स्ट थिंग इज मोस्ट ऑफ द पीपल आर कंप्लेनिंग दैट वी डू नॉट गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द सेमिनार और वर्कशॉप ऑन यूट्यूब। तो हम लोग यूट्यूब पर उतना फ्रीक्वेंटली वीडियोज नहीं डालते हैं आजकल, क्योंकि चैनल पे सब्सक्राइबर्स हैं दे आर इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली। टू रिस्ट्रिक्ट दैट थिंग हम लोगों ने वीडियो की जो क्वांटिटी है उसको कम कर दिया है। सेकेंड थिंग, हाउ विल यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेबिनार्स एंड वर्कशॉप? सो फॉर दैट यू गाइज हैव टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। द टेलीग्राम चैनल इज मिस्टर यादव। देर आर अराउंड 465 मेम्बर्स। दिस इज अ प्राइवेट चैनल। यू गाइज कैन नॉट मैसेज ऑन दिस। इट्स मी ओनली हु कैन write a message or I can send the details about all the things. So it means I am the one who can write or delete anything, but you cannot. Iska link video description mein hai. You guys can find the link of this in video description. YouTube par wahi details dali jati hain jo bahut zyada important hoti hain. Otherwise all the details are posted on the Telegram channel only. So if you want to stay updated, then please join this channel. Okay, there is no other method. Or one more important thing, I do not own any other Telegram group. Mera Mr. Yadav private channel ke alawa koi bhi Telegram channel nahi hai. There is no discussion board or any group which I own. I am the part of this channel, I am the owner of this, or I am the owner of WhatsApp group. That group is not related to the share market. Other than this, nothing is there. So please do not join any other channel which is formed on the name of Mr. Yadav. So mera uske alawa koi channel ya group nahi hai. So please be aware. और उसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू द वेबिनार और वर्कशॉप वो यहीं पर आएगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टुडेज ट्रेड। आज मैंने एक पोस्ट किया था फॉर एनालिसिस पर्पस। आई पुट एलएनटी एंड इन दैट आई शोन दैट आई बॉट द एलएनटी एट 1315। द स्टॉप लॉस वाज एट 1313 एंड टारगेट वाज 1328.5। ठीक है, तो बहुत से लोगों के जो क्वेश्चंस आए वो ये आए कि सर जो आपने सिग्निफिकेंट लेवल बताया था दैट इज डिफरेंट। यस, आई एक्सेप्ट दैट इज डिफरेंट। इन फायर्स इट इज एट डिफरेंट टाइम फ्रेम एंड इन जीरोधा इट्स एट डिफरेंट टाइम फ्रेम। लाइक इन जीरोधा इफ आई विल शो यू दिस इज एलएनटी मिनट्स। ओके, इफ यू विल चेक इन जीरोधा द important level is somewhere around 1155. This is the one. I will mark this. तो Zerodha में ये वाला है, okay? और fires में मैं दिखा देता हूँ। fires में देखिए, the 1155 candle made the low yesterday. Okay? So according to this 150. This is the one. So this is the one. Okay. Yes, there is a difference in the levels, but not an issue. I will explain both the scenarios so that all the queries can be resolved. Now, let's say that I was trading on fires. Though I was not trading on fires, but in my office I was able to open this because I cannot install Pi on my office laptop. तो हम इसके हिसाब से बात करते हैं LNT में क्या हुआ। अगर आप daily time frame को देखेंगे तो let's open daily time frame because daily time frame is same on both the platforms. तो इसने एक higher high higher low candle का formation किया था yesterday and the day before yesterday it formed a high volatile candle. Okay? और उसका मैंने लिखा भी था कि उसका क्या रीजन था और क्यों मैंने इसको चूज किया। तो यस्टरडे इट फॉर्म हायर हाई एंड हायर लो।
Now, in 5 minutes, the trend was डाउन ट्रेंड. यू ऑल एग्री कि ये यहां से यहां तक गया था, ठीक है. और इन फायर्स दिस इज द वन. ओके, अभी आप देखिए, अगर डाउन ट्रेंड था तो शॉर्ट्स फॉर्म भी होंगे. ओके, शॉर्ट फॉर्म्स का मतलब कहीं पर भी इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ 3 या 4 कैंडल रेड बने होंगे, तो दिस इज द पॉइंट. आप देख सकते हैं, दिस इज अराउंड 11:45 एंड 11:50, ठीक है. तो ये वाला था. सो एट दिस लेवल शॉर्ट्स वर फॉर्म्ड. ओके, एंड इफ यू विल सी एट द एंड ऑफ द डे इट क्लोज अबव दिस लेवल, तो मींस ऑल द शॉर्ट्स वर टेकन आउट. फाइन, नाउ आई डिलीट दिस. एंड नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सम लॉन्ग्स वर फॉर्म्ड. द सेम वे वी फाइंड द शॉर्ट्स, द सेम वे वी हैव टू फाइंड द लॉन्ग. तो दिस इज लॉन्ग फॉर्मेशन. और आप देख सकते हैं कि इसके नीचे आया नहीं, तो इसका मतलब ये जो लॉन्ग थे ये सिस्टम से आउट नहीं हुए फर्स्ट. ओके, नाउ आई डिलीट दिस. तो अभी क्या हुआ, डाउन ट्रेंड में था लेकिन लोग लॉन्ग पोजीशन छोड़कर गए हैं. दिस इज व्हाट वी कैन कंसीडर. नाउ एज पर फायर्स, अगर लॉन्ग्स फॉर्म में है तो इसको ऊपर जाना चाहिए. फाइन, हाउ विल वी गेट टू नो दैट इट विल नॉट फेल डाउन. ओके, तो देखिए ये कहीं ना कहीं से अगर फायर्स के हिसाब से चले तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ था जो कि 10:50 के कैंडल के हाई के ऊपर था, ठीक है. अब देखिए ऊपर गया, वॉल्यूम बढ़ाया, उसके नीचे क्लोज करने की कोशिश हुई, वापस से घूम गया, ठीक है. और अगर इसको गिरना था तो ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए था, ठीक है, जो पहली चीज. हालांकि आई मेड द पोजिशन एट 1315.50. द रीजन इज क्योंकि इसने पोजिशन बनाने के बाद वापस से घूम गया. इसका मतलब दिस सिग्निफाइज कि मोस्ट प्रोबेबली दिस इज इन द अप ट्रेंड ओनली एंड दिस इज नॉट गोइंग टू कम बैक. फाइन, तो ये तो था रीजन इसकी वजह से कि अगर मान लो हमारा लेवल यहां पर बना था. नाउ इन पाई, देखिए पाई में क्या हुआ था, हमारा ये जो लेवल था ये वाला था, ठीक है, तो डाउन ट्रेंड था, ठीक है. मैं इसको मार्क कर देता हूँ, फाइन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ओपन हुआ. ओके, नाउ दिस इज द हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल इन द साइडवेज पैटर्न. ओके, नाउ दिस कैंडल शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेंड चेंज. ये यहां पर आया ही नहीं, नो प्रॉब्लम. अगर इसको गिरना होगा क्या करेगा ये? ये देखिए, जब इसने गिरना स्टार्ट किया था तो ये पहला सपोर्ट था जो ब्रेक हुआ था, ठीक है. और वो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद ये यहां से नीचे गया था और बाद में ये इसी के नीचे इसने क्लोजिंग दिया था. ओके, अब जब मॉर्निंग में स्ट्रॉन्ग ओपन हुआ तो इसने इसके ऊपर वॉल्यूम बढ़ाया लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं हो पाया. अगेन दिस इज द एंट्री पॉइंट, ठीक है. तो ये आप लोगों का वो डाउट क्लियर करने के लिए था कि सर द लेवल्स आर डिफरेंट इन फायर्स एंड जीरोधा, देन व्हाट टू डू. ओके, सी एनीथिंग इज देयर इफ योर स्टॉक सिलेक्शन इज करेक्ट एंड यू नो द प्रोसेस. एवरी मेथड विल टेल द सेम स्टोरी, वेदर इट्स ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, वेदर इट्स ओपन प्राइस मेथड, वेदर इट इज शॉर्ट्स एंड लॉन्ग्स. ओके, वेदर इट्स अ साइडवेज पैटर्न, एनीथिंग यू पिक द प्रोसेस यू विल फॉलो, देन द रिजल्ट विल बी सेम. अब इस चीज को ध्यान से देखिए, मैंने आपको दोनों चीजों का एक्सप्लेन किया, दोनों में एंट्री पॉइंट ऑलमोस्ट सेम था, 1314.90, राइट. मतलब उसमें 1315 और इसमें 1314, ठीक है. तो द थिंग आई वांटेड टू टेल इज कि आप कोई भी मेथड फॉलो कीजिए, आपको लगता है कि आप फायर्स फॉलो करते हैं, फायर्स का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, और इफ यू थिंक दैट यू यूज जीरो द प्लेटफॉर्म, नेवरथलेस इफ स्टॉक सिलेक्शन इज करेक्ट, आप किसी भी मेथड से किसी भी प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर सकते हैं. यू आर नॉट गैम्बलिंग, आप कोई तुक्का नहीं लगा रहे हैं कि अच्छा यार ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, बिकॉज एवरी मेथड टेल द सेम स्टोरी एवरी टाइम इन ऑल ऑफ द स्टॉक, ठीक है. तो ये मैंने आपको इस चीज का डाउट क्लियर करने के लिए बताया था.
क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर व्हाई डिड यू चूज 11 सॉरी 1050 कैंडल व्हेन द मोस्ट सिग्निफिकेंट कैंडल वाज एट 1155। तो टू एक्सप्लेन दैट थिंग आई मेड दिस वीडियो एंड आई होप कि इसने आपके डाउट को क्लियर कर दिया होगा। फिर से बता देता हूँ कि जिरोधा में थोड़ा ये नीचे की तरफ बना हुआ था और फायर्स में ये थोड़ा ऊपर बना हुआ था। तो दोनों चीजों से आप किसी सी भी चीज से कीजिए, आपका प्रोसेस सेम रहेगा। अगर आपका मान लो फायर्स यूज करते हैं या पाई यूज करते हैं, तो अगर आपको प्रोसेस आता है तो देर इज नो इश्यू। अगर प्रोसेस नहीं आता है तो फिर ऑब्वियसली वी हैव टू ब्लेम द प्लेटफॉर्म। तो आई होप कि यू विल लाइक दिस वीडियो एंड अगली वीडियो जल्दी ही आएगी, मे बी इन द नेक्स्ट वीक ओनली। और हमारा वर्कशॉप है इन बेंगलोर ऑन 4th of जनवरी, इट्स अ सैटरडे। और अभी मोस्टली वीडियोज का जो कंटेंट होगा दैट विल बी इन इंग्लिश या हिंदी विल बी देयर। आज की मैंने काफी हिंदी रखी है तो उसे थोड़ा सा कम रहेगा हिंदी कंटेंट, बिकॉज ये मोस्ट प्रोबली इंग्लिश का चैनल बनने वाला है। ठीक है, तो आप हिंदी में बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे हिंदी नहीं आती है, यू कैन टॉक टू मी इन हिंदी। ठीक है, वीडियो की जो एक्सप्लेनेशन होगी वो मोस्टली इन इंग्लिश होगी और हम उस चीज को हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे कि जिसको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है तो वो उस चीज को इजीली समझ सके। ठीक है, और इसमें जो टारगेट था वो आप लोगों को पता होगा कि मंथ का हाई था। ठीक है, मंथ का हाई था, अगर डेली टाइम फ्रेम में इसको ओपन करने की कोशिश करें तो हाँ ये वाला था मंथ का हाई, तो ये था दिसंबर 3, 2, 1, ये वाला हाई था। ठीक है, 1344 होना चाहिए, ये 1342.90, तो यहाँ तक कहीं जाना चाहिए था इसको और ये वहां तक गया भी है। ठीक है, मैंने क्यों लिया इसको 1333 पे, शायद 1% का टारगेट लगा हुआ था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 1328.5 पे, क्योंकि मैंने इसकी कॉल को बाई किया हुआ था, दैट्स द रीजन। ठीक है, कैश में मैं निकल गया था, कॉल पोजिशंस रन हो रही थी। ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन का रीजन क्या था? द रीजन ऑफ द स्टॉक सिलेक्शन वाज न्यूज़। आई होप कि यू गाइस गॉट दैट नोटिफिकेशन कि जो अपनी फाइनेंशियल मिनिस्टर है सी अनाउंस द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वर्थ ₹100 लाख करोड़। ठीक है, तो L&T इंफ्रास्ट्रक्चर में एक अकेली कंपनी है, तो ऑब्वियसली इट्स अ पॉजिटिव न्यूज फॉर देम, दैट्स वाई इट वॉज चोजन। और उसके अलावा इसने सिम्टम्स भी सारे अच्छे दिए थे, तो ऑल द थिंग्स वर इन फेवर। एंड टूडे निफ्टी वॉज ऑल्सो हाई, तो नथिंग वॉज अगेंस्ट द ट्रेड, तो इसलिए इसने इतना बड़ा टारगेट दे दिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।